इसरो ने किया इस बार बहुत बड़ा धमाका। देश का कोना कोना हो जाएगा डिजिटल, देखते ही देखते बदल जाएगी भारत की तस्वीर। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रोज नए नए धमाके करके हंगामा मचाता रहता है। दुनिया के रंगमंच पर देश की शान बढ़ाने के लिए इसरो जी जान से लगा रहता है। चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 और गगनयान की तैयारी की जा रही है। भारत ने एंटी सैटेलाइट सिस्टम में सफलता प्राप्त करके पूरी दुनिया में पहले ही बवंडर मचा दिया है। समंदर से अंतरिक्ष तक भारत कहीं भी कमजोर नहीं है। आजादी के 75 सालों के बाद भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आज खुद ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके पीछे भारत की कड़ी मेहनत और देश का टैलेंट है। अंतरिक्ष में भी भारत पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जिसके पास रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता है। आज दुनिया के तमाम देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारत से संपर्क करते हैं। भारत चीन की चुनौती को देखते हुए जल्द से जल्द अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है और इसीलिए वो गगनयान की तैयारी कर रहा है। गगनयान के जरिए वो पहली बार मानव को अंतरिक्ष में भेजकर अपनी तैयारी पूरी करना चाहता है। इसी बीच इसरो को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसे लेकर दुनिया भर में हलचल मच गई है। चीन की धड़कनें बढ़ गई हैं, जिनपिंग आउट ऑफ कंट्रोल है। सवाल उठता है कि आखिर इसरो अंतरिक्ष में ऐसा कौन सा धमाका करने जा रहा है? भारत की किस कामयाबी से चीन को बुखार आ रहा है? क्यों दुनिया हैरान हुए जा रही है? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इंटरनेट की स्पीड के साथ बढ़ जाएगी देश की स्पीड। देश के अंदर से लेकर सीमा तक सुरक्षा होगी मजबूत। दोस्तों, सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी ह्यूजस कम्युनिकेशन इंडिया ने एलन मस्क द्वारा संचालित स्पेस एक्स के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित भारत के पहले उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा के वाणिज्यिक लॉन्च की घोषणा की और देश में अपनी सस्ती इंटरनेट परियोजना स्टारलिंक को छोड़ दिया। सैटेलाइट सेवा का उद्देश्य देश भर में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड वितरित करना है, ताकि स्थलीय नेटवर्क की पहुँच से परे सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी नेटवर्क को जोड़ा जा सके। अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि इसरो में हम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ काम करने के तरीकों की खोज और विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सोमनाथ ने कहा, दूसरे उपग्रहों द्वारा संचालित नई एचटीएस क्षमताओं के साथ हमें विश्वास है कि एचसीआई उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करना जारी रखेगा और भारत के डिजिटल परिवर्तन को गति देने वाले कनेक्टिविटी अनुभव को और बढ़ाएगा। दोस्तों, एचसीआई भारत में 200,000 से अधिक व्यापार और सरकारी साइटों पर उपग्रह ब्रॉडबैंड प्रदान करता है। उद्यमों के साथ साथ रणनीतिक केंद्र और राज्य सरकार की परियोजनाओं का समर्थन करता है। 75 से अधिक सैटेलाइट पर उपयोग में ह्यूजस जुपिटर सिस्टम दुनिया भर में उच्च थ्रूपुट और पारंपरिक उपग्रह कार्यान्वयन दोनों के लिए वास्तविक मानक है। एचसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पार्थो बनर्जी ने कहा, देश भर में उपलब्ध ह्यूजस से एचटीएस ब्रॉडबैंड डिजिटल डिवाइस को पाटने, मल्टी मेगाबिट हाई स्पीड ब्रॉडबैंड को सस्ती दरों पर पहुंचाने की हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि यह नई ब्रॉडबैंड सेवा सरकारी संगठनों, वित्तीय कंपनियों, सेलुलर ऑपरेटरों, खनन और ऊर्जा कंपनियों की हाई बैंडविड्थ जरूरतों को सपोर्ट करेगी और अन्य व्यवसायों के बीच भारत को असीमित भविष्य से जोड़ने में मदद करेगी। ह्यूजस की एचटीएस ब्रॉडबैंड सेवा इसरो के जीसैट 11 और जीसैट 29 उपग्रहों की केयू बैंड क्षमता को ह्यूजस जुपिटर प्लेटफॉर्म ग्राउंड टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ती है, ताकि पूरे भारत में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड वितरित किया जा सके, जिसमें स्थलीय नेटवर्क की पहुंच से परे सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी शामिल है। यह सेवा सामुदायिक इंटरनेट एक्सेस के लिए वाईफाई हॉटस्पॉट जैसे अनुप्रयोगों का समर्थन करती है। साथ ही प्रबंधित HDWAN समाधान और मोबाइल नेटवर्क पहुंच बढ़ाने के लिए बैकहॉल व छोटे व्यवसायों के लिए उपग्रह इंटरनेट सेवा मुहैया कराती है। दोस्तों, बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सैटेलाइट इंटरनेट सेवा क्या है, इसके क्या फायदे हैं? तो दोस्तों, दूर दराज के ऐसे क्षेत्र जहां अब तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है या फिर जहां लोगों को अभी भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल रही है, वहां पर सैटेलाइट इंटरनेट यूजफुल हो सकता है। लॉकडाउन के दौरान जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो इस तरह की बहुत सी खबरें देखी सुनी गई, जहां बच्चों को इंटरनेट एक्सेस के लिए ऊंचे स्थान पर जाना पड़ रहा था या फिर वे इंटरनेट की सुविधा न होने की वजह से क्लासेस लेने से वंचित रह गए। अब ऐसी जगहों पर रहने वाले लोग भी हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। सैटेलाइट इंटरनेट को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। आमतौर पर जो वादे किए जाते हैं, कई बार स्पीड उससे अधिक तेज होगी।
दूर दराज के क्षेत्रों में आपदा में उपयोगी आपदा की स्थिति में आसानी से रिकवर किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए आसमान का साफ होना जरूरी है। भारी बारिश या तेज हवा कनेक्शन को बाधित कर सकती है, जिससे इंटरनेट की स्पीड प्रभावित हो सकती है। तो दोस्तों, इस कदम से रक्षा क्षेत्र को भी बड़ी ताकत मिलेगी। हाई स्पीड इंटरनेट की मदद से बॉर्डर सुरक्षा में मदद मिलेगी। तकनीकी का उपयोग कर सुरक्षा सख्त बनाने में मदद मिलेगी। देश के लोगों को भी हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस करने का फायदा मिल सकेगा। तो दोस्तों, देश अब खुद के दम पर इस तकनीक में आगे बढ़ चुका है। इसके लिए किसी दूसरे देश की सहायता की जरूरत हमको नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसरो इसी तरह के धमाके करके दुनिया को हैरान करते रहता है। फिलहाल इसरो के पास दो बड़े मिशन चंद्रयान 3 और गगनयान है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। सवाल उठता है कि गगनयान कब तक लॉन्च हो जाएगा? इस मिशन के पीछे देश का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। जल्द ही देश लॉन्च करेगा खुद का स्पेस स्टेशन। अंतरिक्ष में देश होगा सबसे आगे, सबसे दमदार। दोस्तों, गगनयान मिशन, जो कि पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला था, इसे इस कोरोना वायरस के कारण थोड़ा स्थगित कर दिया गया, लेकिन अब इसका निर्धारित समय 2023 तक रखा गया है। यदि भारत इस गगनयान मिशन में सफलता प्राप्त करता है, तो भारत वह चौथा देश हो जाएगा जो कि सफलता पूर्वक एक मानव द्वारा संचालित स्पेस फ्लाइट के द्वारा अपना अंतरिक्ष मिशन पूरा करेगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगले वर्ष भारतीय मूल के एक या दो मानव अंतरिक्ष में जाएंगे। हमारी गगनयान की तैयारी हो चुकी है, उससे पहले इस साल के अंत तक दो ट्रायल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहला ट्रायल खाली होगा और दूसरे में एक महिला रोबोट को भेजा जाएगा। इसका नाम व्योम मित्र रखा गया है। इन दोनों मिशन के आधार पर तीसरे मिशन में हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के पटल पर तेजी के साथ प्रगति करने वाला देश बन गया है। अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के साथ 2023 में गगनयान भेजने की तैयारी चल रही है। इससे पहले जून में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया था कि मानव मिशन के ट्रायल एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं। अंतरिक्ष और समुद्र दोनों जगह ट्रायल किए जा रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि 2023 की दूसरी छमाही में एक बड़ी कामयाबी हमें मिल जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा था कि महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के तहत देश की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान इस साल या अगले साल नहीं हो सकती, क्योंकि एजेंसी सभी सुरक्षा प्रणालियों की मौजूदगी सुनिश्चित करना चाहती है। इसरो प्रमुख ने कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। जब मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है, बेहद सावधानी बरतनी पड़ती है। उन्होंने कहा था कि सुरक्षा को लेकर बार बार परीक्षण किए जा रहे हैं, हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। इसरो प्रमुख ने जोर देकर कहा था कि अगले साल के मध्य में विभिन्न प्रदर्शनों और एक मानव रहित मिशन को अंजाम दिया जाएगा तथा सुनिश्चित किया जाएगा कि सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, चीन जैसे दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए भारत का गगनयान जब सफलता का इतिहास भरते हुए भारत के स्काई लैब का रास्ता खोलेगा, तो दुनिया भारत की कामयाबी को फटी हुई आंखों से देखेगी। और जब भारत का स्काई लैब बनकर तैयार हो जाएगा, तो आसमान में भारत बेहद मजबूत हो जाएगा और भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, सवाल उठता है कि अंतरिक्ष में कितने स्काई लैब हैं और किन किन देशों के लैब हैं ये? तो दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अलावा चीन का भी स्पेस स्टेशन है, लेकिन अब भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो पिछले 5 से 7 साल में अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा। इसरो के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक इस स्पेस स्टेशन को बनाने में लगभग इतना समय लग जाएगा। अगर सफलता मिलती है, तो अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन अपना स्पेस स्टेशन बना चुके हैं। इसरो के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक इसरो के 20 टन वजनी स्पेस स्टेशन के लिए सबसे पहले जरूरी है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन जब पूरा हो जाएगा, इसके बाद भारत अंतरिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की क्षमता हासिल कर लेगा। इसके बाद ही स्पेस स्टेशन के लिए तैयारियां जोर पकड़ेंगी। इसरो के स्पेस स्टेशन की शुरुआती डिजाइन के मुताबिक अभी इसमें 3 लोगों के रहने की व्यवस्था है। भारत का स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट यानी धरती से करीब 120 से 140 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाएगा। इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के सिवान ने कहा था कि भारतीय स्पेस स्टेशन का वजन 20 टन होगा। इसकी बदौलत हम विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर पाएंगे, साथ ही माइक्रो ग्रेविटी का अध्ययन कर पाएंगे। भारतीय स्पेस स्टेशन में 15 से 20 दिन के लिए कुछ अंतरिक्ष यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होगी। इसरो चीफ ने कहा था कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम अपना स्पेस स्टेशन बनाना
जाना चाहते हैं। दोस्तों सवाल ये भी उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन क्या है, भारत इसका हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहता। तो दोस्तों जैसे हम सबके लिए धरती पर रहने के लिए एक घर होता है, उसी प्रकार अंतरिक्ष में भी अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए घर बनाए जाते हैं, जिन्हें स्पेस स्टेशन या अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इन अंतरिक्ष स्टेशनों में रहकर वैज्ञानिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में काम करते हैं। फिलहाल अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है, जिसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में ठहरने के लिए करते हैं। ISS या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक बहुत बड़ा स्पेस क्राफ्ट है जो धरती के चारों तरफ घूमता रहता है। यह अंतरिक्ष में स्थापित एक घर है जिसमें अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। इसके अलावा यह एक साइंस लैब भी है। यह अंतरिक्ष स्टेशन किसी एक देश का नहीं बल्कि कई सारे देशों ने एक साथ मिलकर इसे बनाया है। सभी देश मिलकर इसका इस्तेमाल करते हैं। इस स्पेस स्टेशन में अमेरिका का दबदबा रहता है, इसलिए भारत अपना स्वतंत्र स्टेशन बनाना चाहता है।